आपकी सोच मेरी खोज जारी है साथियों। आप जानते हैं मैं जब भी आता हूँ एक नए बिजनेस आइडिया की तलाश में आता हूँ। आज इसी तलाश में बनारस चल के नोएडा आ चुका हूँ आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने के लिए, दिखाने के लिए जो आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं। और आज सर वन बाय वन करके आपको बताएंगे कि ये कौन सा बिजनेस है, कैसे शुरू कर सकते हैं, वो भी सर का कहना बहुत ही कम पैसे में। तो आज हम जानेंगे कि ये कौन सा बिजनेस है और कैसे शुरू कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे साथ ही वो छोटा सा परिचय दीजिए कि आपकी कंपनी का क्या नाम है और ये कंपनी कहाँ पर है नोएडा में। जी सर, मेरी कंपनी का नाम HM टाइल्स मशीनरी है। हमारी कंपनी नोएडा सेक्टर 115 में है। अच्छा जी। जी सर, कितनी पुरानी कंपनी है सर आपकी? सर हमारी 15 साल पुरानी कंपनी है। अच्छा, कितने प्रकार की सर आप मशीन बनाते हैं? सर हम जितने भी सीमेंटेड आइटम होते हैं उन सभी सीमेंटेड आइटमों की मशीनें बनाते हैं। जैसे सर? जैसे कि इंटरलॉकिंग टाइल्स मेकिंग मशीन, सीमेंट टाइल्स मेकिंग मशीन, पेवर ब्लॉक मशीन, होलो ब्लॉक मशीन, फ्लाई एश ब्रिक मशीन। अच्छा जी सर, सभी प्रकार की मशीन आप बनाते हैं? जी सर। बहुत अच्छा। तो सर आज जो मेरे साथियों को आप बिजनेस बताने वाले हैं वो कौन सा बिजनेस है? सबसे डिमांड वाला बिजनेस सर इंटरलॉकिंग टाइल्स मेकिंग मशीन का है। अच्छा। इसका सेकंड नाम है सर पेवर ब्लॉक मेकिंग मशीन। पेवर ब्लॉक मेकिंग मशीन। जी सर। अच्छा जी, तो मान लो सर इसका कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हो तो कैसे शुरू कर सकता है, क्या प्रोसेस है शुरू करने का सर? सर अगर कोई बंदा इंटरलॉकिंग टाइल्स मेकिंग मशीन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए चार मशीनों की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा जी सर। जैसे कि दो वाइब्रेशन टेबल होती है, एक कलर मिक्सर मशीन होता है, एक कंक्रीट मिक्सर मशीन होता है। अच्छा जी। जी तो सर मान लीजिए आपने बताया कि चार मशीन का रिक्वायरमेंट होता है तब ये जाके इंटरलॉकिंग बनता है। जी सर। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई बिजनेस शुरू करता है और इसके लिए ये काम शुरू कर लेता है जी, तो उसका क्या प्रोसेस का मतलब कि कितने उसके रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ेगा जमीन का जी, उसके लिए कुछ बताइए। सर इसके लिए मिनिमम 1400 स्क्वायर फीट की जगह की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा जी सर। 1400 स्क्वायर फीट। जी सर। टीन शेड लगा होना चाहिए? जी सर, टीन शेड लगा होना चाहिए। अच्छा, और ये कौन कौन बिजनेस शुरू कर सकता है सर इसका? सर इस बिजनेस को कोई भी गांव के लोग हैं, सिटी के लोग हैं, कस्बे के लोग हैं, सभी लोग इसको बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, और इस जो प्रोडक्ट का सर कहाँ कहाँ डिमांड, जरा इसके बारे में कुछ बताइए। सर इस प्रोडक्ट का ऑल इंडिया डिमांड है। आजकल गांव में पेट्रोल पंप है, डिवाइडर्स है, रोड साइड है, गाड़ी पार्किंग एरिया है, सभी जगह ये टाइल्सें लगती हैं। सर एक बात मुझे और बताइए, जो लाल ईंट होते थे और जो आपका ये सीमेंट वाला ईंट मैं देख पा रहा हूँ, इन दोनों में क्या फ़र्क है? सर लाल ईंट में और अपनी सीमेंट वाली ईंट में जमीन आसमान का फर्क होता है सर। अच्छा। जो अपनी ये सीमेंट वाली ईंटें होती हैं ये बहुत मजबूत ईंटें होती हैं। अच्छा जी सर। इन ईंटों के ऊपर आप कितना भी लोड दे सकते हैं, जैसे कि अपनी ये ईंटें होती हैं M30 स्ट्रेंथ, M40 स्ट्रेंथ, किसी भी स्ट्रेंथ का आप इस ईंट को बना सकते हैं। अच्छा जी। जी सर। बहुत अच्छा। तो मान लो सर ये कोई अपना काम शुरू कर लेता है तो इसके लिए क्या कोई लाइसेंस की ज़रूरत पड़ता है? नहीं सर, अगर इसके लिए कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप लेना चाहते तो एक छोटा सा GST नंबर ले सकते हैं जो 4 से 5 दिन के अंदर आपके पास आ सकता है। अच्छा, सिर्फ एक GST नंबर से काम हो सकता है? जी सर। बहुत अच्छा। तो मैं सर आपका कहना है कि मैं खुद बनाता हूँ और 15 साल पुरानी फैक्ट्री है जी, तो ज़रा मैं देखना भी चाहूँगा वो कौन कौन सी मशीन है, कौन सी फैक्ट्री कहाँ पर है आपकी। ये अच्छा, ये फैक्ट्री कहाँ पर, यहाँ से दूर है कि यहीं पे है? नहीं सर, अपनी फैक्ट्री इसी जगह पे है, यहीं से हमारा ऑल इंडिया। अच्छा, हम लोग अभी ऑफिस से बात कर रहे हैं। जी सर। HM टाइल्स। जी सर। तो ऑफिस से ठीक बाहर ही आपकी फैक्ट्री है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी बाहर की साइड है। मान लीजिए कोई साथी यहाँ आता है और वो कहता है, लोग क्या कहते हैं सर ऑफिस बुला लेते हैं, फिर कहते हैं हमारा जो फैक्ट्री है वो 5 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है, फिर उनको जाना पड़ता है, चक्कर काटना पड़ता है? नहीं अपने पास सर यहीं अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहीं मशीनें बनती है, यहीं हमारा ऑफिस है, सारा डील हमारा यहीं से होता है सर। तो सर हम वन बाय वन करके देखेंगे। बिल्कुल सर, आइए आपको एक बार अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विजिट करा देते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो सर मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपका आ गया हूँ जी, और मैं देख पा रहा हूँ कि मशीन बन रही है आपका जी। तो पहले मुझे जो चार मशीन का सेटअप बता रहे थे उसके बारे में बताइए। जी सर, ये हमारी जो डिस्प्ले में आपको देख पा रही है ये चार मशीन हमारी लगती है। अच्छा, सबसे फर्स्ट मशीन का नाम है अपने का ये टॉप लेयर। अच्छा जी सर, इसमें हमारा सीमेंट डलता है, डस्ट डलता है, हार्डनर डलता है और कलर डलता है। अच्छा, चार आइटम डलने के बाद इसमें मिक्स होता है। अच्छा जी, हमारा इसमें पेस्ट रेडी होता है। पेस्ट रेडी होने के बाद में अपने ये फर्मे होते हैं जिन्हें मोल्ड बोलते हैं जी जी, इसमें से 2 या 3 mm हमें इसमें रॉ मेटेरियल डालना है। अच्छा जी, पेस्ट डालना है। पेस्ट डालने के बाद ये ऑटोमेटिक वाइब्रेशन होते हुए आगे की तरफ पहुँचेगा। अच्छा जी। जी सर, यहाँ पर पहुँचने के बाद में अपना सेकंड मशीन है ये कंक्रीट मिक्सर मशीन। अच्छा जी, इसमें अपना सीमेंट डलता है,
डस्ट डलता है जी, जी हार्डनर डलता है और एग्रीगेट डलता है, ये चार आइटम इसके अंदर डलते हैं। अच्छा जी, जी सर। इसमें मिक्स होके माल इस पर टेबल पर गिरता है, टेबल पर गिरने के बाद में अपने इसी उसी फर्मी के अंदर इसको फुल भर दिया जाता है। अच्छा जी, फुल भरने के बाद इस मोल्ड को उठा के इस टेबल पर रखा जाता है जी, जी। फिर यहाँ से वाइब्रेट होता हुए आगे की तरफ पहुँचता है। अच्छा जी सर, फिर मतलब वहाँ निकाल के तब फाइनल प्रोडक्ट बनता है जी सर। वहाँ पहुँचने के बाद अपना ये कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद इसको वर्कर्स उठा के एक अपनी प्लास्टिक की सीट होती है, उस प्लास्टिक की सीट पे रखता है। अच्छा, फिर अपने 7 से 8 घंटे बाद इसको रिलीज कर देना। रिलीज करने के बाद हमारी टाइल्स इस प्रकार की निकलेगी। अच्छा जी, जी सर ये टाइल्स है आपके जी। अरे एक बात और मुझे बताओ सर, ये जो मैं इतना मोल्ड आपका देख पा रहा हूँ, डाई देख पा रहा हूँ, तो ये सब एक ही मशीन से बनेगा कि अलग अलग मशीन से बनेगा? जी सर, ये एक ही मशीन से बनेगा। इसी मशीन से आप 100 डिजाइन्स की टाइल्सें बना सकते हैं। अच्छा जी सर, मतलब 100 डिजाइन की? जी सर जी। बहुत अच्छा, तो ये मोल्ड भी आपके यहाँ मिल जाएगा? जी सर, हमारे यहाँ कंप्लीट प्लांट सेटअप मिलता है, जैसे कि मशीन है, मोल्ड है, कलर है, प्लास्टिक सीट है, केमिकल हार्डनर है, ये कंप्लीट प्रोजेक्ट हमारे पास मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी जी, और इसके लिए लाइट कौन सी जरूरत पड़ेगी, 3 फेज का या सिंगल फेज? सर दोनों लाइटों से मशीन स्टार्ट होता है, सिंगल फेज से भी मशीन से स्टार्ट होता है। अच्छा, और 3 फेज से भी ये स्टार्ट होता है। बहुत अच्छा सर, मशीन की क्या वारंटी देते हो आप? सर ये आयरन की 31 ग्रेड की मशीनें बनी हुई होती हैं। अच्छा, हमारी मशीनों की सर 3 ईयर की वारंटी रहती है। अच्छा जी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक मोटर लगती है, इलेक्ट्रिक मोटर की सर 3 ईयर की गारंटी रहती है। अच्छा, किस कंपनी का मोटर लगाते हो सर? सर मोटर अपने पास 3 कंपनियों का अवेलेबल है, सिमको कंपनी का है, स्वराज कंपनी का है और बीकेएस कंपनी का है। अच्छा। उस इलेक्ट्रिक मोटर की हमारे की 3 साल की गारंटी है और मशीनों की 3 साल की वारंटी है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमारा बंदा साइड पे पहुंचेगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके आएगा। बिल्कुल जी सर। क्या प्रोडक्शन वोडक्शन सर इस मशीन का है आपके? सर इस मशीन का जो पर डे प्रोडक्शन है वो 6,000 पर डे प्रोडक्शन है। अच्छा 6,000 जी सर, एक दिन का? जी सर जी। बहुत अच्छा, और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, ये जो मैं आपका टाइल्स देख पा रहा हूँ जी, इस टाइल्स को एक बनाने में कितना कॉस्ट आता होगा? सर एक टाइल की जो कॉस्टिंग आती है आपकी 7 से 8 रुपये के बीच में एक टाइल की कॉस्टिंग आती है। अच्छा जी सर, और ये मार्केट में कितने बिकता होगा? सर ये मार्केट में 14 रुपये का भी जाता है, 13 रुपये का भी ये मार्केट में सेल होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है सर, आप मार्केट में शुरू में कितना प्रॉफिट रखना चाहते हैं। अगर आप शुरू में मार्केट में इसको 10 रुपये का भी सेल करते हैं, शुरू में हम मान लेते हैं हम 2 रुपये का भी मार्जिन रखते हैं। अच्छा। और पर डे हम 3,000 टाइल्स से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमारे एक टाइल्स पर 2 रुपये का मार्जिन हुआ तो हमारा पर डे का प्रॉफिट हुआ 6,000 रुपये। अच्छा जी जी सर, और महीने का हमारा प्रॉफिट देखा जाए तो महीने का 1,80,000 रुपये हमारा प्रॉफिट हुआ। अच्छा, तो ये सर लेबर, बिजली, इलेक्ट्रिक काट के है या इसी में इंक्लूड है? जी सर, ये इलेक्ट्रिक है, वर्कर चार्ज है, ये सारे चार्जेस काट के आपका प्रॉफिट है 1,80,000। जी सर। अच्छा जी, कितने वर्कर की ज़रूरत पड़ेगा सर इसको? सर इसमें इस मशीन को चलाने के लिए? जी सर, इसमें सर 6 से 7 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर अच्छा। किसी के पास वर्कर्स नहीं है तो वर्कर्स भी हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी सर। बहुत अच्छा, कहीं भी? जी सर, ऑल इंडिया हम वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, तो मशीन सर कितने दिन में डिलीवर करवा देते हैं आप? सर हमारे पास मशीनों का स्टॉक रहता है, किसी को जैसे अर्जेंट मशीनें चाहिए तो हमारे पास अर्जेंट मशीनें 10 से 50 सेट मशीनों का हमेशा हमारे पास रेडी रहता है। अच्छा जी, जी सर। सर अब नेक्स्ट मुझे क्या दिखा रहे हो आप? जी सर, मैं आपको और अपनी आगे और भी डिजाइन की अपने पास टेबल्स हैं, और भी साइज की टेबल्स हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। बिल्कुल, डिफरेंट डिफरेंट साइज की अपने पास टेबल्स हैं। अच्छा जी सर, जैसे कि सर आपको डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के पेन मिक्सर अपने पास हैं। बिल्कुल जी सर, 1 बैग वाला भी है, 2 बैग वाला भी है। अच्छा जी, जी सर अपने पास डिफरेंट डिफरेंट साइज के अपने पास टेबल हैं, जो सा साइज आपको चाहिए वो अपने पास साइज मिलेगा। ये किस साइज का है सर टेबल आप? सर ये है 10x3 का टेबल है, 10 इसकी लंबाई है, 3 इसकी चौड़ाई है। अच्छा जी, जी सर। और ये? ये सर 10x3 का है ये भी। अच्छा जी, ये सर कुछ कम लग रहा है? जी सर, ये सबसे छोटा साइज है, 10x2.5 का। अच्छा। इसका साइज है सर 10x2.5। जहाँ तक नजर घुमाओगे वहां तक आपको सिर्फ मशीन ही मशीन पाओगे, आप देख सकते हैं। और सर के पास तमाम ऐसी मशीन है और तमाम साइज की है, अलग अलग मॉडल की है, अलग अलग साइज की है। सर ये तो मशीन मशीन की बात हो गई जी, आपने बताया मोल्ड भी मेरे पास बहुत है, वो भी मैं देखना चाहूंगा। जी सर, मोल्ड्स के बारे में बताया था, मोल्ड्स भी हमारे पास स्टॉक में रहते हैं, 20 से 30 हजार मोल्ड हमारे पास स्टॉक में रहते हैं। आपको कभी भी अर्जेंट मोल्ड की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम सर आपको अर्जेंट दे सकते हैं। अच्छा जी, जी सर, जैसे सर मैंने आपको बताया था ये प्लास्टिक की सीट है, ये प्लास्टिक की सीट भी अपने पास स्टॉक में रेडी रहती हैं। अच्छा, ये प्लास्टिक की सीट है, ये पॉलोथीन प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बनाई जाती है,
इसकी 10 ईयर लाइफ होती है इस प्लास्टिक की सीट की। अच्छा। इसको मिट्टी में, बारिश में, धूप में कहीं भी डाल सकते हो, इसकी लॉन्ग लाइफ है सर। जी सर। ये हमारा सामने केमिकल हार्डनर प्लांट है, हम खुद का ही केमिकल हार्डनर बनाते हैं। अच्छा जी। जी सर। बहुत अच्छा, केमिकल भी बनाने की मशीन लगा रखे हैं। जी सर, हम खुद का ही केमिकल बनाते हैं, क्लाइंट को हम खुद का ही पूरा प्रोडक्ट देते हैं। अच्छा जी, बहुत जी। अच्छा, तो मतलब मशीन, मटेरियल, ट्रेनिंग, केमिकल सब आपके अवेलेबल है सर, कंप्लीट अपने पास मिलेगा। बहुत अच्छा। देखिए सर, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पे हमारा बंदा काम कर रहा है, ये हमारा ग्राइंडर बफिंग का प्रोसेस चल रहा है सर। अच्छा, ये ग्राइंडिंग कर रहे हैं। जी सर। यहाँ क्या हो रहा है सर? ये वाइब्रेशन टेबल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अच्छा, ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं। जी सर, हमारी अच्छा जो सर वाइब्रेशन टेबल होती है वो हैवी ड्यूटी की वाइब्रेशन टेबल होती है सर। अच्छा, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, हम 8 mm की पत्तियां लगाते हैं। अच्छा जी। जी सर, हमारी जो वेल्डिंग होती है सर वो 3 लेयर वेल्डिंग होती है। अच्छा, 3 लेयर की। जी सर। बहुत अच्छा। हमारी जितनी भी मशीन होंगी सर वो सारी हैवी ड्यूटी की मशीन होंगी। तो सर, ये कितने इंच, अभी कितने फीट की बना रहे हैं आप ये जो टेबल बना रहे हैं? सर, ये 10x2.5 का टेबल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। अच्छा, ये 10x2.5 की। जी सर। अच्छा, और ये वाला सर, ये अपना वाइब्रेशन जिस पर मोटर रेस्ट करता है ये वो वाली प्लेट है, ये 14 mm की प्लेट होती है सर। अच्छा, ये वाला? जी सर, इस पर अपना मोटर वाइब्रेशन करता है, इसी पर रेस्ट करता है। अच्छा जी, इतना बड़ा टेबल है। जी सर। बहुत अच्छा। ठीक है साथियों, सर का कहना है कि हम खुद बनाते हैं, और मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ दिखा पाऊँ, बता पाऊँ कि खुद देख रहे हैं बन रहा है, और आपको पूरा प्रोसेस बताने की कोशिश किया हूँ, दिखाने की कोशिश किया हूँ कि कैसे मशीन बनता है, क्या प्रोसेस है। और आज हम सर से और भी जानेंगे कि ये मशीन का क्या क्या पैकेज है, कैसे मशीन ले सकते हैं, इसकी भी जानकारी आज हम सर से जानते हैं। सर देखिए, आपने मुझे और मेरे साथियों को 1x1 करके बताए हैं, दिखाए हैं कैसे प्रोसेस क्या है, कैसे काम हो रहा है, कैसे लोग बना रहे हैं, कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत है, 1x1 करके बताए हैं, दिखाएं। मान लीजिए सर, कोई जुड़ना चाहता हो, कोई संपर्क करना चाहता हो आपसे, तो कितने पैसे से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है? सर, ये बिजनेस अपना 2 लाख रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी सर, 2 लाख रुपये में हम आपको एक वाइब्रेशन टेबल देंगे, एक कंक्रीट मिक्सर मशीन देंगे, एक कलर मिक्सर मशीन देंगे जी, 1000 उसी के अंदर सिलिकॉन प्लास्टिक के मोल्ड देंगे। अच्छा जी सर, 3 ड्रम हार्डनर केमिकल देंगे उसी के अंदर। अच्छा जी। 10 प्लास्टिक का आपको इस प्रकार का सीट दिया जाएगा। अच्छा। 10 पीस, 2 कलर के बैग दिए जाएंगे, एक लाल दिया जाएगा, एक पीला दिया जाएगा। ये कम्प्लीट सेटअप सर 2 लाख रुपये में है। 2 लाख? जी सर। मतलब 2 लाख से अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकता है? जी सर, कहीं इसका बिजनेस शुरू करना हो जी। और इसको गवर्नमेंट भी अथोराइज कर रखा है कि नहीं, आपको बिजनेस शुरू करना है तो ये आपको मशीन लगाने पड़ेंगे जी। सर, मान लीजिए कोई संपर्क करना चाहता था, कैसे संपर्क कर सकता है आपसे? जी सर, जैसे कि आपके स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं, आप जी से भी कोई कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा। और सर, मेरा नंबर आपको मैं बता देता हूँ, 7877258938, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अच्छा जी। इसके बाद में मेरे स्टाफ का नंबर है, स्टाफ का नंबर आपको मैं बता देता हूँ, 9654919888। अच्छा, ये 2 नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं जी सर। कोई टाइम है सर कांटेक्ट करने का? कभी भी कर सकते हैं। और आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं जी सर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि एक बेहतर बिजनेस आइडिया मेरे साथियों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, और वो अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं इसकी भी आपने जानकारी दिया 1x1 करके। थैंक यू सर।